हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे फाइव फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मैं डॉक्टर ईशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। मेन पर्पस क्या है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का? जो हमारा नेचुरल टूथ है अगर इन्फेक्टेड हो गया है तो उसे सेव कर पाए, उसे निकालना ना पड़े, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मेन पर्पस होता है कि हम उसको बचा लें और पहले की तरह यूज कर पाए, नेचुरल टूथ को निकालना ना पड़े। रूट कैनाल प्रोसीजर में आपका जो इन्फेक्टेड पल्प है दांत में उसको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसके बाद क्लीन करके अच्छे से उसे सील कर दिया जाता है, जो रूट कैनाल्स हैं उन्हें सील कर दिया जाता है ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो इन्वेड ना हो पाए, इन्फेक्शन ना हो और जो पेन है वो भी रिलीफ हो जाए और जो दांत है वो सेफ हो जाए। ऐसे क्या साइंस हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि रूट कैनाल की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, सीवियर पेन अगर आपके दांत में है, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा आपको होती है जो कुछ टूथपेस्ट यूज करने के बाद भी नहीं ठीक हुई है, गर्म से या ठंडे से आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, स्वेलन गम्स की प्रॉब्लम आपको हो रही है, मसूड़ों में सूजन बहुत ज्यादा हो रही है, या फिर आपके दांत के नीचे, किसी दांत के नीचे पिंपल जैसा बन रहा है और उससे पस बाहर आता है, ऐसा एक बार हो रहा है या फिर ठीक होने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर से ऐसा होता है, तो ये कंडीशन है जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ सकता है। साथ साथ में एक्सीडेंटल कोई कंडीशन है जिसमें दांत फ्रैक्चर हुआ है, पल्प डैमेज हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। सबसे कॉमन मिथ जो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में वो ये है कि बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो ऐसा नहीं है, ये पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है। सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, सुन्न किया जाता है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जब प्रोसीजर के समय आपको पेन फील नहीं होता है। अगर ज्यादा इन्फेक्टेड है, वाइटल टूथ है, तो कुछ केसेस में जब कैनाल सर्च करते हैं, क्लीन करते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा पेन आपको फील हो सकता है कुछ केसेस में, बाकी रूट कैनाल में आपको पेन नहीं। क्या ध्यान रखना चाहिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद? आपको सबसे पहले जो आपके डेंटिस्ट ने आपको सलाह दी है वो आपको फॉलो करनी है, माननी है। इसके बाद आपको ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। जिस दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई है उसको तो साफ रखना ही है, लेकिन उसके अलावा डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन भी आपको पूरी मेंटेन रखनी है। फूड इंफेक्शन अगर है, थोड़ा खाना अगर फंसता है कहीं पर, तो उसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है ताकि वो वहां पर फंसा ना रहे, खराब ना हो और आगे बैक्टीरिया ग्रो ना करे और दांत को आपके खराब ना करे। इसके अलावा रेगुलर चेकअप्स आपको कराने हैं, अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है तो भी और नहीं है तो भी। अगर आपने रूट कैनाल करा लिया है, चांसेस हैं आगे और किसी दांत के भी खराब होने के, तो रेगुलर आपको लगभग 6 मंथली एक बार चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। ये थे 5 क्वेश्चंस अबाउट रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।